क्या करूं मैं जानू का, कैसे समझाऊं उसे कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है मेरे और मयंक के बीच में। अब गुंजन दीदी, गुंजन दीदी, ठुलू तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये क्या है दीदी, आप इस टेडी बेयर से बात कर रहे थे? हाँ, क्योंकि ये मेरा न्यू फ्रेंड है जो मेरी हर बात सुनेगा। हेलो बोलो। हेलो। लेकिन दीदी ये क्यों, आप सारी बातें मुझे बताइए ना अपनी। ठीक है, अभी नहीं, जब तुम बिग बॉय हो जाओगे ना तब। ये हुई ना बात। दी, कल आपका सेकंड राउंड है ना? हाँ। उसमें क्या है? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। क्विज, आईक्यू टेस्ट, ट्रेजर हंट, कल ही पता चलेगा। भगवान करे सिर्फ ट्रेजर हंट तो। दीदी जब आप जीत जाएंगी तब आप खजाना लाएंगी ना, जैसे स्टोरी बुक्स में होता है। हाँ। वाओ, क्या सुपर्ब थॉट है। अच्छा चलो डोलू, अब तुम जाओ यहाँ से ताकि मैं कल के लिए तैयारी कर सकूं। ओके महाराज। हम बेकार में गुंजन के लिए अफसोस कर रहे हैं। देखो ना यहाँ कैसे मस्त हंस खेल रही है। दीदी दीदी, ये तो वही एनसाइक्लोपीडिया है ना? एनसाइक्लोपीडिया नहीं, एनसाइक्लोपीडिया। हाँ हाँ वही, ये मयंक बेयर ने आपको 15 इयर्स के बर्थडे पे दी थी ना, और आपको पता मैं कितना रोया था? हाँ बाबा मैं पता है, और ये वही किताब है। इस किताब में हमारी जरूरत की बहुत चीजें हैं और इसे पढ़कर हम जीतने वाले हैं। अरे वाह रचना, ये बुक तुम्हें मयंक जी ने दी, भाई हो तो ऐसा। अच्छा चलो खाना तैयार है, ताई जी तुम्हें टेबल पे बुला रही है। भाभी अब जाइए, हम आते हैं। इडोलू मास्टर तुम आ रहे हो ना? हाँ हाँ, हम गुंजन दीदी के साथ आ जाएंगे। यही मौका है, कोई भी नहीं है आसपास। ओहो की लाइट चली गई। अरे कोई हमसे टकरा मत जाना, नहीं तो हम गिर जाएंगे। ओ गॉड, मेरे लैपटॉप का चार्ज भी खत्म हो गया। मम्मी हमारे कमरे में मोमबत्ती नहीं है, जरा लेकर आइए ना प्लीज। बताएगा डोलू। हाँ लेकर आए, चिल्ला क्यों रहे हो, ये रही मोमबत्ती। वो हमें चाहिए थी, पढ़ना है ना इसके लिए। अरे इतने अंधेरे में पढ़ोगी क्या, कोई जरूरत नहीं है। चलो नीचे चलकर कुछ खा लो पहले, अपना चेहरा देखा है इन्हें में, कैसे मुरझा गया। चलो नीचे, और तुम भी गुंजन तुम भी चलो कुछ खा लो, और आप डोलू भाई साहब आपको भी नीचे चलना है, वरना बताया आपकी मम्मी को। नहीं 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 नहीं, चलो चलो। एक मिनट रचना, मुझे ना एक क्वेश्चन का आंसर इंटरनेट पर नहीं मिल रहा है, क्या मैं तुम्हारी बुक में चेक कर सकती हूँ? लेकिन पहले कुछ खा लो ना बेटा। हाँ मौसी जी, बस एक मिनट, आंसर मिलते ही मैं आ जाऊंगी। पक्का ना? प्रॉमिस मौसी जी, आंसर मिलते ही मैं नीचे आ जाऊंगी, पक्का। जल्दी आना चलो। थैंक यू।
अच्छी इंसाइक्लोपीडिया थी, आप सिर्फ अच्छा और लाइट लगा। मम्मी अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अरे अरे पहले खाना खाते तो जाओ। नहीं नहीं मम्मी, हमारा खाना पूरा हो गया, बहुत कुछ कवर भी करना और बहुत कुछ पढ़ना भी है। ठीक है। अरे रचना सुनो तो। शायद कम से कम तुम तो आराम से बैठकर खाना खा लो। हे भगवान, मम्मी पापा जल्दी से हमारे कमरे में आ जाइए। मम्मी क्या हुआ रचना को? रचना क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? खुद पानी लेकर बात। हे भगवान, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? हम ठीक है। कुंजन ये सब क्या पागलपन है? तुमने हमारी किताब क्यों जलाई? अब हम कैसे पढ़ेंगे? तुम्हें हमारी किताब जलाकर क्या मिला? एक मिनट रचना, मैंने ये नहीं किया है। मैंने किताब यहाँ बेड पर रखी थी, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आ गई। 100% श्योर मैंने वहां ऊपर रखा था। अब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। कैसे गड़बड़? हाँ यही कि अचानक किताब के पैर निकल आ गए और वो यहाँ चल कर आ गई। हाँ मम्मी, मम्मी आप गवाह, आपने देखा था ना, हमने गुंजन को किताब दी थी, उसे चाहिए थी हमारी किताब, देखा था ना आपने? गुंजन अब तो मान लो कि सब कुछ तुमने ही किया है। नहीं रचना, मैंने ये नहीं किया है। एक मिनट सर, ठंडे दिमाग से सोचो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे क्या मिलेगा? और मेरी समझ में नहीं आ रहा है, हर वक्त मुझे कटघरे में क्यों खड़ा किया जाता है? बेबुनियाद के इल्जाम लगाते हैं और फिर मैं मजबूर हो जाती हूँ सफाई देने पर। बट इनफ इज इनफ। लिसन रचना, एक बात तुम कान खोल के सुनो। बस कुछ शांत हो जाओ। नहीं मौसी जी प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। रचना को मुझ पर यकीन करने में इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? बार बार मुझ पर इल्जाम लगाए जा रही है। देखो रचना, मुझे कंपटीशन जीतने के लिए ये सब चीप गिरी हुई हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए ये सब रोना धोना, चीखना चिल्लाना, ये सब बंद करो और कंपटीशन पे फोकस करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत टफ कॉम्पिटिशन देने वाली हूँ। सो गेट मूविंग। का ट्रेलर आगे आगे देखिए होता है क्या। हमने भी ठान लिए, होली तक आकर इस लड़की को घर से ना निकाला ना तो हमारा नाम भी चारू नहीं। आपकी कुछ मदद करें? नहीं बेटा, सब हो गया। आप तो हमेशा यही कहती हैं। लाइए हमें मदद करने दीजिए। हम कर देंगे बेटा। लाइए ना। ताई जी, हम क्या सोच रहे थे कि आप गुंजन और रचना को बादाम वाला दूध देना, उससे दिमाग तेज चलता है। हम अभी बना देते।
गुड मॉर्निंग गुंजन। गुड मॉर्निंग। ये लो तुम्हारे लिए और रचना के लिए। रचना नहीं आई? वो नहा रही है। मौसी जी हाँ? मुझे ये नहीं पीना है। नहीं पीना है क्या मतलब है? सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। गटक जाओ जल्दी से। शाबाश गुंजन, ये रचना को दे देना। गुंजन क्या सोच रही हो? ये रचना को दे देना। ताई जी हम मयंक जी को उठाकर आते। वैसे आपको किचन में कितना टाइम लगेगा? क्यों? वो हम सोच रहे थे कि हम मयंक जी के लिए ब्रेकफास्ट बना दें। बस 15 मिनट और। ठीक है तो हम 15 मिनट में आते। ये लड़की जब भी जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करती है ना, पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि दाल में कुछ काला है। बस आज कुछ ऐसा वैसा ना करें। ये सब्जी देखो कैसे। लो रचना का कंगन। ये लड़की भी ना कितनी लापरवाह है, अपनी चीजें कहीं भी छोड़ देती है। दीदी हमारी है ना बस एक ही ख्वाहिश है, ये लड़की किसी तरह कंपटीशन से आज आउट हो जाए ताकि हमारी रचना जीत सके। हाँ संगीता, तुमने ना हमारे मन की बात छीन ली। गुंजन कुछ नहीं, तुम्हें तुम्हें ऑल द बेस्ट विश करना था। अरे गुंजन, रचना कहाँ चली गई? गुंजन बेटा हम रचना का कंगन यहाँ टेबल पर रख कर जा रहे हैं, उसे दे देना। और हाँ नहाकर जल्दी तैयार होकर आ जाओ। क्यों गुंज, तुम्हारे बिना हम ऐसा आइडिया कभी नहीं सोच पाते। तुम चाहकर भी मेरी तरह नहीं बन सकती हो, सो डोंट इवन ट्राई। अब हम गुंजन बनकर उसके जाने के बाद सब काम करेंगे। और ताई जी अब आप लड़ाई नहीं देखेंगे, अब आप दोनों बहनों की महाभारत देखेंगे। और अंत में रचना अपने हाथों से गुंजन को धक्का देके घर से बाहर निकालेगी।
बस बहुत हो गया, जाओ जाकर तैयार हो जाओ और फिर कुछ खा लो। मम्मी हम बाद में खा लेंगे। नहीं अभी। क्या मम्मी? रचना हमने तुम्हारे और गुंजन के लिए बादाम वाला दूध बनाया था ताई जी के सामने, गुंजन ने तो पी लिया, तुमने पिया कि नहीं? चारू भाभी हम बाद में दूध पी लेंगे। मम्मी हमारी किताब तो दो ना। बिल्कुल नहीं, पहले जाकर दूध पी लो फिर देते हैं किताब। मम्मी रचना बेटा क्या जिद है ये? मम्मी कह रहे हैं दूध पीने को। जी पापा। जा। आपने कहा तो मान गई। सोचा एक अच्छी अंगड़ाई ले ले, वो क्या है ना हमारे हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं। अच्छा ताई जी कोई दवाई मिलेगी हमें? आप हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे कमरे से ले लो। जी बेटा तुम इतनी जल्दी तैयार हो गई? हाँ मौसी जी मैं तो कब से तैयार होके ही ऊपर बैठी हूँ। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, थोड़ी देर पहले हमने तुम्हें नीचे देखा था तब तुम तैयार नहीं थी। नहीं तो मैं तो कब से ऊपर आ गई हूँ। अच्छा फिर तो तुम बहुत ही फुर्तीली हो। मौसी जी मेरे पास 2-3 क्वेश्चन आंसर्स बाकी है, मैं क्विकली पढ़ लेती हूँ। ठीक है। छाया रेडी? रचना को शर्मा सर के बारे में बता दे क्या? क्या बात है छाया चले? रचना तुम्हें कुछ बताना था। बताओ ना। वो क्या है ना कॉलेज में जो रचना तुम्हारा कंपटीशन कितने बजे स्टार्ट होगा? हम और मयंक जी आने की सोच रहे थे, उन्होंने हाफ डे भी लिया है। कितने बजे आए हम? 11 बजे के आसपास। ठीक है हम पहुंच जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम तीनों को हमारी तरफ से भी इस प्रतियोगिता के लिए ऑल द बेस्ट, जो सबसे होनहार है वही जीते। थैंक यू मौसी जी। बेस्ट ऑफ लक रचना बेटा। आज की विनर ना हमारे घर से ही होगी। और आज की नहीं पूरे कॉम्पिटिशन की। ओके देन मौसी जी मैं चलती हूँ। बाय बाय मम्मी। बाय ऑल द बेस्ट बेटा। अब आएगा कॉम्पिटिशन का असली मजा।